लॉकडाउन के दौरान घर पहुंचने की जद्दोजहद में राजस्थान से आए मजदूर शाम जबलपुर सिविल लाइन थाना अंतर्गत माल गोदाम पहुंचे। थाना प्रभारी संजय मलावी ने उनकी व्यवस्था करवाई। इन 42 मजदूर राजस्थान से ट्रक और अन्य वाहनों में बैठकर आए थे और छत्तीसगढ़ जा रहे थे। जैसे ही प्रशासन को खबर लगी, मजदूरों को सबसे पहले भोजन का इंतजाम करवाया गया। प्रशासन अब उन्हें सीधा वाहन द्वारा छत्तीसगढ़ भेजने की तैयारी में है। जबलपुर प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम से मजदूर खुश नजर आए। क्या काम कर? मजदूरी सर, यही प्लास्टर मिस्त्री काम। अभी कैसे जबलपुर आना होगा आपका? अब ये बंद हो गया ना, इसी वजह से अब ये बहुत दिन हो गया सर, इसी कारण से 2 महीना हो गया था ना। कहाँ जा रहे थे? छत्तीसगढ़ से। वहाँ से कैसे यहाँ तक पहुँचे? जैसे ट्रक में है और बस का साधन, इसे जैसे भी पुलिस वाले साधन करते गए वैसे आते गए। कितने लोग आपके साथ हैं? वैसे तो 40 आदमी हैं सर पूरे। रास्ते में परेशानी भी उठानी पड़ी? हाँ, पड़ा तो है सर। कुछ पैदल भी चले हैं, कुछ ऐसे जैसे पुलिस चौकी तक पैदल चला है, पुलिस वाले मिल गए, वहाँ से गाड़ी बैठा रहा है। अभी यहाँ से कैसे जाओगे? अब यहाँ से कुछ साधन मिल जाए चले जाएंगे सर, नहीं तो पैदल फिर दिख ही रहे। अब तो आए हैं तो ऐसे अपने दम पे तो चलेंगे। कितने लोग हैं? हम लोग 40 आदमी हैं सर। क्या नाम? लोकेश। हाँ, ये अभी जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ जाने वाले कुछ लेबर आए हुए हैं, जो ये राजस्थान से आए हैं। अभी पूछने पर ज्ञात हुआ कि ये ट्रकों के माध्यम से जो है जबलपुर ज़िले की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। अब इनको अभी भोजन पानी की व्यवस्था करा दी गई है और इनको छत्तीसगढ़ पहुंचाने की व्यवस्था। लगभग कितनी संख्या इनकी? लगभग 40 की संख्या में है ये। जी, कैसे पैदल चल के आए? नहीं, ट्रकों के माध्यम से आई है, वाहनों से वहाँ तक आए, अपने ज़िले के सीमा में आ गए हैं। अब इनको आगे छत्तीसगढ़ छोड़वाने का इनका प्रबंध अति शीघ्र किया जाए। सर, शुभ नाम आपका? राजेश कुमार सिंह।